You should be very well prepared for it you should be very well uh, inclined towards its practice so biggest thing that comes in ait is that there are 150 questions but the timing is 120 minutes only how should we balance along with the practical questions because like in clad there are less practical questions but here there are very much good amount of practical questions so now why do we need to do this see you should know that

तो कैसे आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट द द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज टू स्टार्ट विद ऑफ द पेपर कंटेन्स बेसिकली एंड द थर्ड सेक्शन हैज मेनी सेक्शंस सो द पैटर्न हैज नॉट चेंज्ड अ लॉट बट देन देर वॉज अनादर पैटर्न लाइक आई गिव यू फॉर एग्जाम्पल ए के ने पैटर्न ऐसा दिया था वेयर दे हैड पर्टिकुलरली पुट All the section in one passage. That is a pattern that once ALIT has followed. Now, there are other patterns also. This is basically the last year's pattern. English language may 50 questions hoga aapka, logical may 70 hoga, current affairs may 30 hoga. Now, these 70 questions will have what? Will have your AR, will have your CR, will have your LR. लीगल रीजनिंग होगा सी आर होगा और ए आर होगा राइट इसमें सब कुछ होगा नाउ वेन आई से लीगल रीजनिंग इट इज़ नॉट टिपिकली द रीजनिंग लाइक थिंग्स दैट वी गो इन दिस सो

There's an allocated timetable. What do you have to focus first? You have to focus on your English language, giving 35 to 40 minutes. Again, this is passage based, and they do keep their passage of a certain length. ये क्लैट की तरह छोटे पैसेजेस नहीं देते हैं ये अच्छी खासी लेंथ के पैसेज देंगे सो यू हैव टू गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर आरसी, ठीक है आरसी को अच्छे से इनफ टाइम देना अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना ग्रामर पे करना वो कैप पे करना वो कैप पे स्पेशली ध्यान देना ट्रिक्स को समझना इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग इफ टू गिव 50 टू 55 फाइव मिनट ना आई एम गिविंग गिविंग द मैक्सिमम टाइम टू दिस बिकॉज इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा ए के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सी को रिड्यूस करना पड़ेगा और लीगल रीजनिंग को भी आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा राइट सो इफ गिवन मैक्सिमम टाइम यू मे गिव वन आवर टू जस्ट सेवेंटी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजिली सॉल्व हो जाएंगे कुछ होंगे जो नहीं होंगे आप लोगों ने क्लास से यह सीख लिया होगा कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जो आपको अटकाता है यू डू नॉट नीड नॉट सॉल्व इट पुट ऑन योर ईगो बिल्कुल ईगो पे नहीं लेना है राइट right? कि मैं तो आज ये करके ही रहूंगा ऐसे कैसे मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है द टाइम विल नॉट वेट फॉर यू सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली राइट right? इसके बाद में आता है करंट अफेयर्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से आपको इतना टाइम नहीं देना चाहिए बट देन बिकॉज वी हैव टाइम यू मे एलोकेट द टाइम अकॉर्डिंगली डू नॉट वरी अबाउट इट जीके में या तो आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है फिर वॉट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू मे फॉलो द फर्स्ट टेक्नीक दैट यू मे फॉलो इज स्कैन द पेपर क्विकली नाउ ऑफकोर्स येस वी हैव टू स्कैन द पेपर ऑलवेज लेट्स नॉट गो विद्रीमिडिएटेड माइंड सेट एलेट का सबसे अच्छा ये है दैट दे हैव बीन चेंजिंग पैटर्न ऑल ऑल थ्रू द एग्जाम्स दैट दे हैव बीन कंडक्टिंग सो नीड नॉट वरी अबाउट इट बट देन येस स्कैन करना पेपर बहुत ज़रूरी है आई बेसिकली वुड रिकमेंड दैट यू डू ईजी क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज ईजी क्वेश्चन को करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी रियली रखवायो फिर है आपका सेट मिनी डेडलाइंस ऑफकोर्स येस जैसे मैंने आपको डेडलाइंस दे रखी है उसमें आप छोटी छोटी रखो दैट एवरी फाइव क्वेश्चन वॉट द टाइम एवरी फ्यू सेकेंड एम थिंकिंग ओ के नो आई एम स्टक ऑन समथिंग ईगो आ गया है रियलाइज करो फिर उसके आगे चलिए राइट सो अवॉइड गेटिंग स्टक इज द की हाई लाइट कुछ भी करो हमेशा ध्यान रखना एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है ज़्यादा नंबर नहीं देगा अगर उस पर पाउंडर ऑन करते रहोगी पाँच मिनट लगा दिए क्वेश्चन पे इट्स स्टिल गोइंग टू गिव यू वन मार्क्स राइट फिर है एक बफर टाइम रखा है हम लोगों ने उसको वाइजली रखिए जो क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है दैट यस आई नीड टू रीड दिस यस आई नीड टू रीड दिस गो थ्रू देम अगेन अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली यूजिंग एक्स्ट्रा ब्रेन ब्रेन्स व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फोकसिंग अ लॉट On uh, overthinking, what you may do is you may uh, circle your questions like this, and later, when you have some buffer time of 10 minutes, you may come back to the question and you will 100% answer it correctly. So, do not worry about this, worry about the uh, sticking.

सो यू माइड हैव टू होल्ड योर हॉर्सेज वेन यू आर डूइंग इट इन योर एलिट्स पेपर जैसे सिलॉग्स नहीं हो पाता है सिटिंग अरेंजमेंट में ये तो हो जाता है दैट एवरीबडी इज़ फेसिंग ही ज्यादा बट ये नहीं हो पाता है वेन एवरीबडी इज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन या फिर आप लोगों को मैप्स में दिक्कत आता है फैमिली ट्री में प्रॉब्लम होती है सी आर में स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में होता है लीगल में नहीं कर पाते हैं प्रिंसिपल वाले सो प्लीज फोकस ऑन थिंग्स लाइक दिस इसके बाद में है अफकोर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वीमेन आर ऑलवेरी परफेक्ट राइट सो रेगुलर मॉक टेस्ट करिए उसको एग्जाम कंडीशंस के जैसे करिए ना वन सर्टन प्रॉब्लम दैट यू गाइज हैव डन ऑल योर लॉन्गेज आप लोग शांति में बैठ के मॉक्स देते थे वाइल यू हैव एक्सपीरियंस योर क्लास पेपर आई डोंट थिंक दे वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस एनी वेयर वाइल यू वर प्रिपेरिंग फॉर इट सो हैंस यू शुड वर्क अकॉर्डिंगली कहीं पे भी ऐसी कोशिश मत करिए कि एकदम शांति में दे योर कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर वेन यू आर एट अ क्वाइट प्लेस बट यू आर नॉट गोइंग टू बी एट अ क्वाइट प्लेस इन योर पेपर राइट सो एनवायरमेंट ऐसा बनाओ जैसा पेपर में होगा देन कोर्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स इफ देर आर सर्टन मिस्टेक्स दिट यू वर डूइंग कंटिन्यूअसली बट यू नो दे होल्ड द ग्रेटर वेटर्स इन योर पेपर यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ स्कीपिंग दोज क्वेश्चन you do not uh, you're not meant to leave those questions rather you're supposed to practice them continuously so that you can effortlessly do those questions when they are coming right so you can do this now success is just about how much and how you are preparing those questions success is very hai, in I've seen everyone practice so 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 hard and uh, आई विश एवरी वन गुड लक आई विश एवरी वन ऑल द बेस्ट यू शाल डू योर पेपर ग्रेटली आप लोग अच्छे से करेंगे वॉट एवर हैपन्ड इन क्लैर गुड और बैड इज़ लेफ्ट बिहाइंड जो होना था वो हो गया है इसकी चिंता अब ना करें चिंता से अगर नंबर बढ़ते तो हम सब साथ में मिलके कर लेते सो डू नॉट वरी अबाउट इट रादर जो हाथ में है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए आप लोग थैंक यू एवरी वन हैव अ गुड डे